ऑपरेशन जनजागृति अभियान के क्रम में थाना टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत साइबर महिला हेल्पलाइन तथा थाना टनकपुर टीम द्वारा साइबर क्राइम एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से बचाव के संबंध में जागरूक करने हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान। इस अवसर पर सभी को उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी देते हुए उक्त ऐप का प्रयोग करने की दी गई सलाह। लैंसडाउन चौक का नाम आजाद हिंद फौज के सिपाही वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पवेलियन ग्राउंड में वीर शहीद केसरी चंद के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में की ये घोषणा। बुधवार को राज्य सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग और सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। समझौते के मुताबिक दोनों संस्थानों के बीच जल संसाधन संबंधी आंकड़े किए गए साझा। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के निर्देशानुसार चंपावत पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बेलबंद गोट में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें लोगों का किया गया चिकित्सा परीक्षण, साथ ही डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह को अपनाने की करी अपील। T20 वर्ल्ड कप का 35वां मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच एडिलेड में खेला गया, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 5 रनों से हराकर मैच किया अपने नाम। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।